अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। ये वीडियो है बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व बीजेपी नेता, छत्तीसगढ़ का है। ये कह रहा है कि अगर पेट्रोल महंगा है और डीजल महंगा हो गया, अन्न अगर सब कुछ महंगा हो गया तो आप खाना छोड़ दीजिए। ये सुन लीजिए, अगर महंगाई है, आप महंगाई से आपको प्रॉब्लम है तो खाना क्यों नहीं छोड़ देते? सुना आपने आप। लेकिन ये भी कुछ भी नहीं है। आगे अमित शाह को देखिए, अमित शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना टू से बढ़िया निपटा है, उनकी वजह से कम लोगों की मौत हुई है। क्या आप सहमत हैं? लेकिन उससे भी आगे शर्मनाक देखिए, ये अखबार देखिए, ये भारत की मीडिया की हालत देखिए। भारत की मीडिया का कहना है कि प्रधानमंत्री कोरोना से लड़ने में सबसे टॉप पर है। जिस देश में वैक्सीन नहीं मिल रही लोगों को, उस देश में इस तरह की बातें कही जा रही है। और वही देखिए शर्मनाक खबर, ये देखिए खबर कहां से है, ये 3000 डॉक्टर मध्य प्रदेश से है, जहां 3000 डॉक्टर एक साथ इस्तीफा देते हैं। 10 सेकंड की वीडियो देखिए ट्रू विंडो में। जी पूरे 3000 डॉक्टरों ने दे दिया है मध्य प्रदेश के इस्तीफा। ग्वालियर के जो 330 जुड़ा थे जुड़ा डॉक्टर, उन्होंने भी दे दिया है साथ में। और ये 4 दिन हो गए और उसके बाद भी हमें उनकी 4 सूत्री मांग समझ में नहीं आई कि कौन से 4 सूत्री मांग उन्होंने पूरी की है। तो ये स्थिति है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन खबर और भी है, रामपुर में कानून बीजेपी के लिए लागू नहीं होता, ये खबर 60% एमएलए, अखबार की रिपोर्ट है कि 60% एमएलए योगी के खिलाफ है। सच्चाई है कि 90% एमएलए योगी को नहीं चाहते, लेकिन योगी ने अमित शाह और मोदी को साफ साफ धमकी दी कि तुम्हारी औकात है तो मुझे हटा के दिखाओ, सब कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, तो वो नहीं हटेंगे। रामपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में घुसकर आरोपी को छुड़ाया, पुलिस वालों से मारपीट की। सोचिए, अगर यही कोई दूसरे राज्य में होता तो हाहाकार मच जाता, लेकिन बीजेपी राजनीति करना जानती है, बाकी लोग राजनीति करना नहीं जानते हैं। बिहार में ड्रामा चल रहा है, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, केरला नंबर 1 स्टेट है और बिहार सबसे नीचे, जहां डबल इंजन की सरकार है, 15 साल से नीतीश और बीजेपी है। वहां बीजेपी का एक टुन्ना पांडे कहता है कि नीतीश कुमार जो है वो गड़बड़ी करके मुख्यमंत्री बना है, जेडीयू कहते उसकी उंगली काट लेंगे।